इसके बाद मेसोलिथिक। फिर नियोलिथिक, आज हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक है, इसको तांबे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। नौ पाषाण काल के बाद भारत के कुछ हिस्सों में एक अलग संस्कृतियां विकसित हुई, जिसमें तांबे और पत्थर इन दोनों का प्रयोग था। इसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल। इस संस्कृति की अलग विशेषताएं हैं और नवपाषाण काल से ये एडवांस्ड। ताम्रपाषाण काल को ही चैल्कोलिथिक कहते हैं इंग्लिश में। इसी के बाद यानी नियोलिथिक और ब्रोंज एज, इन दोनों के बीच में है चैल्कोलिथिक। नवपाषाण काल और कांस्य काल के बीच में है ताम्रपाषाण काल। तो इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले तांबे का ढेर खोजा गया मध्य प्रदेश में, एक जगह है गुंगेरिया। और बी.ए. स्मिथ पहले इतिहासकार जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तांबे के महत्व को बताया। एक और इतिहासकार है जिनका नाम है हाइन गेल्डर। इन्होंने ताम्र नीतियों का संबंध जोड़ा सीधे आर्यों से। स्टुअर्ट पिकट ने तांबे का संबंध सीधे जोड़ दिया शेंदो सभ्यता से। तांबे के एट्रीब्यूट्स पर सबसे महत्वपूर्ण शोध किया है बीजी चाइल्ड ने। इनकी किताब है व्हाट हैपेंस इन हिस्ट्री। इसमें इन्होंने ताम्रपाषाण काल के बारे में व्यापक शोध किया है। बाद में बीबी लाल ने भी इस पर काफी काम किया, जो भी दिवंगत हो गए कुछ समय पहले। तो कौन कौन सी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं और उनका क्या क्या मुख्य मुख्य योगदान है? तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तो जानना ये है कि ये हड़प्पा संस्कृति के विपरीत ग्रामीण संस्कृतियां हैं। और इन संस्कृतियों में प्रमुख, जैसे स्टोन एज में हमने पढ़ा कि पत्थर के औजार एक विशिष्ट व्यक्तित्व तो प्रदान करते हैं, इसी तरह से ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों को एक विशिष्ट व्यक्तित्व तो प्रदान करते हैं इनके विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, मृदु भांड बनाने की परंपरा। तो इनकी पैदाइश लगभग हुआ है 2000 ईसा पूर्व में। कुल चार ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं जो प्रमुख हैं। इनमें से तीन गौण हैं। कौन कौन है, एक एक करके इनका हम विवरण देंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़े भूभाग पे फैली हुई, ये छोटे छोटे शहरों की तरह, गांव की तरह ग्रामीण संस्कृतियां थी। इनका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले है कायथा। कायथा संस्कृति
कैसा संस्कृति जब फल फूल रही थी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का भी विकास हो रहा था। ये दोनों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां, यानी हड़प्पा और कायथा, ये दोनों समकालीन है। इसके बाद इससे भी एक इंपॉर्टेंट संस्कृति आएगी, आहार। इसमें हम देख सकते हैं ये है कायथा और यहां पर है आहार। आहार संस्कृति के साथ ही साथ मालवा और जोरवे, जोरवे यहां पे है, और मध्य प्रदेश की संस्कृति को कहते हैं मालवा। ये तीनों मिलाकर के सबसे लंबी संस्कृतियां हैं, लगभग 700 ईसा पूर्व तक ये चलती रही। फिर सावलदा, प्रभाष और रंगपुर। रंगपुर किसी को दिख रहा है इसमें? ये मैप में जितने भी नाम दिए गए हैं वो इन्हीं संस्कृतियों से ही संबंधित है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से ही संबंधित है। तो एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। सबसे पहले आहार संस्कृति की बात अगर करें, इसका टाइम पीरियड है 2800 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। कारण यह है कि ये राजस्थान में नदी बहती है बनास, इस नदी के तट पर स्थित। नदी का नाम है बनास और स्थान का नाम है आहार। इसका एक और नाम है ताम्बवती, क्योंकि यहां पर तांबे की खाने हैं और तांबे का प्रगलन किया जाता है। दो प्रकार की मिट्टी के बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुए, काले मिट्टी के बर्तन और लाल मिट्टी के बर्तन। कुकर की सीटी है, इतना भी नहीं समझते। मैं पहले वाला साउंड सेटिंग कर दूंगा कल, ठीक है, क्योंकि जो भी छोटी मोटी आवाजें हैं वो सब सुनाई दे रही है। हाँ, महापाषाण संस्कृति भी फल रही थी। तो इस आहार नामक खोज की स्थान की खोज की थी रत्नचंद्र अग्रवाल ने। उदयपुर जिले में है ये, इसको अभी धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आके हम देखते हैं कि लोग भैंस पालने लगे थे, भेड़, बकरी, और प्रॉपर खेती करने लगे थे, चावल, ज्वार, बाजरा, और घर भी यहां बनने लगे थे। लोगों ने प्रॉपर घर बनाना शुरू कर दिया, पत्थर, ईंट, मिट्टी, इन तीनों को मिला के घर बनाना शुरू कर दिया। आहार से थोड़ी दूर उत्तर में है एक जगह गिलुंड, ये गिलुंड दिख रहा सभी को?
गिलुंड में फलक उद्योग मिला है। गिलुंड में फलक उद्योग यानी पत्थर के फलकों का उद्योग मिला हुआ है। इसके बगल में जगह है बालाथल। एक वर्ष प्रश्न भी आया था कि इन स्थानों में कहां पे फलक उद्योग पाया गया। हाँ धान ने दिया, पूछा कि इस समय क्या बन रहा है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि पालक उबाल रही है। पालक कहीं उबालने की चीज है। इसके बाद आता है मालवा। बालाथल में भी फलक उद्योग पाया गया। मैप में शो नहीं कर रहा बालाथल। मालवा में कुछ, मालवा एक पूरे बेल्ट का नाम है और इस बेल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग मिलते हैं, जैसे ये महेश्वर और इट्स कायथा, नागदा, एरण, नवदा टोली, ये मालवा के यानी पूरा का पूरा बेल्ट, ये बेल्ट इनका संबंध मालवा से। मालवा संस्कृति बेसिकली नर्मदा नदी घाटी में इस्टेब्लिश हुई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कायथा, क्योंकि कायथा में तीन ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां मिली, मतलब तीन ताम्रपाषाण की बस्तियों के चरणों का पता चला है। ये क्या लिख रही हो, डाइटेटेट, क्या ये कौन सी भाषा है, फ्रेंच? कायथा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कायथा को कायथा भी कहते हैं, कि कायथा कल्चर वाज वेरी मच सिमिलर टू, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिक्टेट ही तो कर रहा हूँ। डिक्टेट मतलब आपको इमला बोल के लिखा दूँ, इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा, ये दोनों समकालीन है। तो कायथा का स्पेशल केस है इन सारे ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों में, क्योंकि 29 कंगन पाए गए हैं तांबे के। सोना नहीं मिला था तो सोना जोरवे में था, तो तांबे से ही शौक पूरा कर लेते थे। और इसके अलावा दो कुल्हाड़ियां, और कुछ मूल्यवान पत्थरों की गोलियां पाई गई हैं, जैसे स्टेटाइट और कैमेलिन। ऐसी प्राप्ति किसी अन्य बस्ती में नहीं हुई है। कायथा संस्कृति की बहुत सारी बस्तियां किले बंद है, यानी इनका फोर्टिफिकेशन हुआ था, और इन प्राप्तियों से यह भी पता चलता है कि लोग रिच हुआ करते थे, अमीर थे, इसलिए कायथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और जगह है इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नवदा टोली। एक मिनट शांति का वातावरण बनाए रखिएगा, जो पीडीएफ में अपलोड करना चाहूँगा अगर कुछ और अपलोड हो गया।
अच्छा स्माइल करते रहना मतलब। अभी को आदर्श बहुत दिनों बाद सही बात बोला है, इसी प्रकार की कथा मेरी भाई ने। ये इन संस्कृतियों का क्रम है, इनको उलट लेना है इनका टाइम पीरियड। सबसे बाद की संस्कृति है जोरवे, जहाँ पे सोना मिला है। सबसे पुरानी संस्कृति है आहार, जहाँ पे तांबा मिला है। तांबे से सोने तक का सफर। पहले तांबा इस तरह की इस पिक्चर में दिखाया गया, कैसे ये गलाते थे, इसकी मेटलर्जी कैसे होती थी जमीन में। नोट नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट करने की जरूरत। तो इसमें हमें दिखाना था आपको ये बर्तन, ये नावदा टोली का एक बर्तन है, चित्रित काले लाल मिट्टी के बर्तन। इसे कहते हैं मालवा मिट्टी के बर्तन, मालवा मृदु भांड। मालवा मृदु भांड को अभी तक के पाए गए सभी मिट्टी के बर्तनों में श्रेष्ठ पाया गया। वाह महेश वाह, तभी तो पीजीटी में हो सके टिक लगा के। ये पॉलिश्ड है ना, ये मिट्टी का ही है, कॉपर लग रहा है लेकिन कॉपर है नहीं। इसके साथ साथ चरखे तकलियां ये सब भी पाई गई। ये पीने वाला तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसको पीने के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये स्पेशली पाया गया है नवदा टोली में। तो इस नवदा टोली में सर्वश्रेष्ठ मिट्टी का बर्तन अभी तक के भारतीय इतिहास का मिला। इसके अलावा चरखे और तकलियां, चरखे तकली तो सभी लोग जानते होंगे, देखा ही होगा चरखा क्या होता है। चरखा एक उपकरण होता है सूत काटने का। स्पिनिंग व्हील इंग्लिश में बोलते हैं। और इस चरखे में सूत पहुंचाने के लिए तकली का इस्तेमाल होता था। तकली से धागा, इस तकली को हाथ में पकड़ते थे, तकली रोटेट करती रहती थी। और यहां से सूत चरखे में जाता था। वाह भाई वाह, गेम में भी इतिहास है आपके, तो वो भी पाषाण काल का इतिहास। हाँ वो धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही बना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है भाई, कौन भेजे तो सिंदूर दानी है, ये तकली है, ये तकली नहीं नकली है। हाँ तकली ही लग रहा है करीब से देखने पर। तो तुमको हाथ मेल फीमेल कैसे पता चल जाता है?
हाथ में कैसे जेंडर कंफ्यूज होता है? खैर, ये तकली वकली दिखाने का उद्देश्य क्या है? तकली कहाँ मिला है? मेरा हाथ मेल है, फीमेल बताओ। नवदा टोली में मिला है, और नवदा टोली के इस स्थल का उत्खनन कराया था SD शांकलिया ने। दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। इस उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण युग स्थल है नवदा टोली। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट स्थल है, इसका नाम है दैमाबाद। अच्छा सिमी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे थे। यहाँ यहाँ तक इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया है कि 4,000 लोग यहाँ रहते थे, जो कि अब तक ज्ञात सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे हम तांबे के साथ साथ ब्रॉन्ज कांसे की भी वस्तुएं पाते हैं। तांबे और कांसे में अंतर है कि तांबा में थोड़ा सा जब टिन मिला देते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और वो तांबा बन जाता है। तो तांबे की 4 चीजें यहाँ पे मिली हैं। रथ चलाता हुआ मनुष्य, रथ तो सभी ने देखा ही होगा, रामायण में आना हमारा। रथ चलाता हुआ मनुष्य, मनुष्य रथ चला रहा है, घोड़ा नहीं, लाइक रिक्शा। इसके साथ साथ सांड, गैंडा और हाथी। हाथी एक सिग्निफिकेंट खोज। फसल में भी कई फसलें मिली हैं, जौ, मंसूर, गेहूं, कुल्थी, मटर, चावल और बेर की झुलसी हुई गुठलियां। जिसके दिमाग में जो भरा हुआ दिखेगा बालक, तुम्हारे नीचे वाले को क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है? सिनौली में एग्जैक्टली ऐसा ही रथ खोजा गया है। एक बड़ी अजीब सी चीज मिली है, देवी की एक कच्ची मूर्ति है जो कि सांड की मूर्ति से जुड़ी हुई है, तो कहीं कहीं शैविज्म से इसका संबंध है। अभी तक यहाँ पे एक ऐसी चीज पाई गई जो कहीं नहीं पाई गई थी, खासकर दायमाबाद में पाई गई है, एंड दैट वाज कलश शवाधाम। कलश शवाधाम का मतलब होता है मृतक को जला करके उनकी हड्डियों को कलश में रख करके और जमीन में गाड़ देते थे। जमीन में यानी घर के फर्श के नीचे, ये दायमाबाद में है, यानी मौत के बाद भी जुदाई नहीं बर्दाश्त होती थी। और बच्चों में एक रोग पाया गया जिसमें उनके दांत टूट जाते थे, दैट वाज स्कर्वी। तो ये दायमाबाद की कहानी है। इसके बाद तीसरा है इनाम गांव। इनाम गांव मालवा से नहीं जुड़ा हुआ है, जोरवे संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अजीब तरह के मकान बने हुए मिले हैं। ऊपर छत तो है मकान में, लेकिन लोग, जैसे ये समतल भूमि यहाँ है, इस पे लोग झोपड़ी बना देते थे और रहते थे गड्ढों में। यानी गोलाकार गड्ढों वाले मकान। ये जो इनाम गांव है, ये जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये इनाम गांव की विशेषता है। मुझे लगता है कि इसका नाम ही इनाम गांव इसलिए पड़ा है कि इसका लॉजिक ढूंढ लो तो आपको इनाम मिलता होगा, कि ऐसा क्यों करते थे। यहाँ पे चूल्हे मिले हैं, चूल्हे
और पांच कमरों वाले मकान, और ऐसे 100 घर। पूरी बस्ती खाई से घिरी हुई थी, किले बंद थी। ये जोरवे संस्कृत से जुड़े हैं। इनाम लाओ कैट का। इसके बाद आते हैं निमाशा। बुर्ज खलीफा, कहते हैं ना किसी के ऊपर किसी को फ्री का माल मिल गया, ये जितनी अरेबियन कंट्रीज हैं वो सारे के सारे फ्री वाले, इनको फ्री का माल ही मिला हुआ। जमीन के नीचे पानी नहीं होता था, पेट्रोल मिल गया। एक हमारे साथ जेएनयू में पढ़ता था, झबरीले बालों वाला, अरब से आया था। तो वो जब आया तो बड़ा गरीब हुआ करता था, हमारी क्लास में था। और 6 महीने के अंदर मैंने देखा कि एप्पल का लैपटॉप, वो बड़ी वाली बाइक, उसका नाम क्या था, एक अजीब सी बाइक थी, उसका हैचिसन समथिंग ऐसे कुछ नाम था, 4-5 लाख रुपए की मिलती थी। डेविडसन, हरले हरले डेविडसन ऐसे कुछ। कार वार लेकर के हॉस्टल के सामने आ गया। हरले डेविडसन, यस, वो सबसे महंगा वाला मॉडल। तो हम लोग तो पहले कहते थे कि बेचारा अरब से आया है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास तो वहाँ तो पानी भी नहीं है, रेगिस्तान में रहता है। वैसे से कहानियाँ सुनाता था कि हम लोग अंडे फ्राइंग पैन में, वो चूल्हे में नहीं रखते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, खिड़की के बाहर निकालते हैं उसको अंडा डाल के, और वो फुल फ्राई बन जाता, हाफ फ्राई बन जाता। 6 महीने के अंदर उसकी तो काया पलट हो गई, नाना प्रकार की महिला मित्र पैदा हो गई, जब कल हम लोग से बात ही नहीं करता था, अब हम लोग को उसने गरीब कहना शुरू कर दिया। तो मैंने तहकीकात शुरू की कि ऐसा हुआ क्या इसके साथ, तो पता ये चला कि उसकी थोड़ी सी जमीन थी अरेबिया में, वहां पे पेट्रोलियम मिला और किसी कंपनी ने उसको करोड़ों रुपए देकर वो पेट्रोलियम खरीदा है, मतलब वो जमीन खरीदी, उसको डिस्प्लेस किया है। मैंने कहा किस्मत हो तो ऐसी, अच्छा ऐसा बाइक था वो। खैर अमीरी ने मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया कभी। इसके बाद आते हैं निमाशा। पति बन गया, अच्छा गैस तो आदर्श के पास भी बहुत सारा है। आदर्श तो वहीं का वहीं है। निवासा, ये भी जोर विश्वास, निवासा में एक अजीब चीज मिली है, पटसन, हम लोग कहते हैं पेटुआ। हाँ ये तो अन्याय होगा। अभी मैं परसों पढ़ रहा था, एक कौन है, कबीर बेदी का नाम सुना है, ऐसे अचानक से मोबाइल में उसके बेटे की कोई फिल्म वाला आई थी, बहुत पहले देखे थे दिल्ली में। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, कहता है कि फेयरवेल पार्टी दो दो हमको। उसे पूछते कहाँ जा रहे हो, बताता नहीं है। दूसरे दिन कंप्यूटर पे मेल करता है कि मैं उस पार जा रहा हूँ, और सुसाइड कर लेता है। मैं तो पढ़ के मेरे होश उड़ गए। तो पटसन, पटसन जानते हैं आप लोग क्या होता है,
कबीर बेदी ने भी एक किताब लिखी है उसी के ऊपर, पर्सन का पास नहीं था पटुआ ना, सम पटुआ सम, इसे रस्सी बुनते हैं, बोरे बनाते हैं, झोले बनाते हैं, इसके अलावा डायग्नोस्टिक बर्तन मिला है। डेंटिस्ट के पास आप अजीब अजीब से बने हुए वो देखते होंगे, प्लेटें, दस्तरियां, वो डायग्नोस्टिक बर्तन है। हाँ अनिता, अनिता बहुत अनुभवी हो रही है। इसके अलावा टोटीदार बर्तन, ये सब निवासा से मिला है, मतलब एक निवास स्थान को समृद्ध बनाने के लिए जो जो संभावनाएं हो सकती हैं वो मिला है निवासा से। लाल तल पर काली डिजाइन वाले बने चाप से बर्तन, और बर्तनों पर ज्यामितिक डिजाइन हुआ करते थे, चौकोर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, ये तिरछे और समानांतर रेखाओं का प्रयोग इन बर्तनों पर हुआ है। ये सब चीजें निवासा से उपलब्ध। तो ये उत्तर भारत के कुछ चंद ताम्रपाषाणकालीन स्थल थे, ऐसे ही दक्षिण भारत में भी है, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहल, उतनूर, संगमकल, पय्यम्पल्ली, हेमिंटे, नागार्जुन कुंडा, कोड्डेकल। दक्षिण भारत में इस समय चरवाहों की बहुत आयत, कृषि बहुत कम था, और भस्मटीला के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वो परंपरा भी चली जा रही थी। ऐसे ही पूर्वी भारत में हम देखते हैं चिराद, शेनुवर, सोनपुर, तारावी, महिष्थल, वही तो बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया में था ना, चिराद था, शेनुवर, सोनपुर, तारावी, महिष्थल, बिहार ईस्ट में नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ता है। लेकिन पूर्वी भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साई पाई। सही पई में तलवार और मछली के शर के आकार का भाले का सिरा मिला है। ये और इसका संबंध गेरुए मिट्टी के बर्तन से। सही पई एग्जैक्टली ईस्ट इंडिया में ही है, मैंने बताया था कि नहीं आपको भी, पीएचडी को खत्म कर दिया गया एलिजिबिलिटी से। अब केवल यूजीसी नेट ही एलिजिबिलिटी रहेगी हमेशा के लिए, सदा के लिए, 2023 तक नहीं सदा। न्यूज़ तो बड़ी पुरानी है, आज की न्यूज है, आज की। ताम्रपाषाण संस्कृति का महत्व, हर जगह यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सबसे पहला महत्व है कि संपूर्ण भारत में किसान इसी काल में पैदा हुए, कृषक समुदायों का गठन, मतलब कि तुम लोग का दिमाग घुटने में है क्या? अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हो। अभी तो ये था कि यूनिवर्सिटी में जिसके पास पीएचडी ना हो अप्लाई ही नहीं कर सकता था 2023 के बाद, अब तो ये तो खत्म हुआ कम से कम, नहीं तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाते वो। अब आगे के इंटरव्यू में क्या लड़ाई होगी वो तो इंटरव्यू में देखोगे।
पब्लिकेशन आपके अच्छे होंगे, सेमिनार्स होंगे, नेट हो जाएगा, तो फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करके पीएचडी परसुइंग हो जाओगे, उसके भी मार्क्स होते हैं। हाँ पीएचडी का गला कट दो, हम लोग ने पागल थे ना पीएचडी करके बैठ गए, हमने 8 साल अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, कुत्ते ने काटा था हमको। आप बड़ी सयानी हो, पीएचडी को भी खत्म कर दो, सूली पे लटका दो बेचारे पीएचडी वाले, न घर के न घाट के। किसान समुदाय की नींव पड़ी, आधुनिक भारतीय गांवों की नींव पड़ी, गांव ही बनने शुरू हुए, चित्रित बर्तन ताम्रपाषाण काल की विशेषता है, खासकर ये लाल रंग से चित्रित करते थे, काले लाल, जैसे आहार संस्कृति में काले लाल रंग के बर्तन पे सफेद डिजाइन, घर बनाना यहीं से शुरू होता है। हालांकि ईंट पत्थर के तो कम बने, लेकिन नरकुल और मिट्टी के गारे से घर निर्मित हुए। खेती शुरू तो हो गई थी नवपाषाण काल में ही, लेकिन खेती का प्रसार हुआ, खासकर गेहूं और जौ की खेती का इसी टाइम में। देखो अपनी गैस बचाना चाहता है, दूसरों की भगाना चाहता है, इसको खुद अभी भी यकीन है कि उसका बहुत ही मॉनेटरी वैल्यू होने वाला है। नरकुल नहीं जानते, गांव में दीवार बनाने के लिए कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं कि पहले तो वो इनको पेटुए से बांध के ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, बांस के जैसे, या नरकुल, नरकुल भी समझ लो कि बचपन का बांस, बांस का जो बचपन होता है वो नरकुल जैसा ही होता है। तो इसको ऐसे वो दीवार कच्ची मिट्टी खड़ा करते हैं और इनके ऊपर मिट्टी थोप देते हैं, नहीं तुम पीएचडी हो, क्या नाम है, अनीता, हाँ कोरो इज डिफरेंट, कोरो मोटा होता है। लाल सफेद मिट्टी के बर्तनों को चित्रित किया जाता था, ग्रिल करता है, इसको नरकुल कहते हैं। तो यहाँ पे खेती प्रीवेलेंट होगी, खासकर मालवा ताम्रपाषाण काल, इनाम गांव में चावल, इनाम गांव आहार में चावल और मालवा में गेहूं और जौ। यहां से हम देखते हैं कि लोअर स्केल पर व्यापार शुरू होता है, तो कहना चाहिए कि व्यापार की आधारशिला यही रखी, और विनिमय के लिए कौड़ियों और सीपियों का आदान प्रदान यहां शुरू हो जाता है, यानी करेंसी को प्रतीकात्मक रूप में यहां पे अडॉप्ट कर लिया गया। ना जी ना, कोई भी फैकल्टी के लिए नेट होना चाहिए, अरे नेट निकाल दो, छोड़ो, इतनी इतना ह्यूमिलिएशन हो गया तुमको, गेस्ट से निकाल दिया तुमको, तो डंके की चोट पे नेट निकाल के और मुंह पे मार के आना चाहिए। ऐसे ही मैं जिन्हें इंटरव्यू देने चला गया था, तो मतलब मैं डीयू में था, तो मैं सोच रहा था परमानेंटली ट्राई करूं, तो वो इंटरव्यू देने जिन्हें चला गया, वो थोड़ा सा मतलब ना गाँव की तरफ था, वो कॉलेज ही था, तो वहां पे सारे मतलब बामुश्किल दो लोग नेट क्वालिफाइड आए थे। तो इंटरव्यू मुझे बोला, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि दो लोग, बाकी सब एमए किए ही हुए, एमए बीएड एमएड ऐसे करके। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा कि क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि नेट है, मैंने कहा है, और क्या है, बोलता था और क्या चाहिए, कितने ही मतलब चाहिए नहीं और है क्या, तो मैंने बोला कि एमफिल चाहिए, कहा ओके है, फिर बोला कि पीएचडी, मैं कहा है, फिर बोला आपको सैलरी कितनी चाहिए, मैंने कहा क्या, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते थे यूजीसी के नॉर्म्स जो कुछ भी हो, कहा नहीं ये प्राइवेट जॉब है और हम आपको 70,000 रुपये तक दे सकते हैं, मैंने कहा नहीं प्राइवेट हम करना ही नहीं। देन आई लेफ्ट बैक,
कोई बात नहीं नीता, नेट निकाल के जाना, तुमको 48,000 मिलेगा। छलकुल्फी कल्चर में एक नई चीज और मिलती है, वो है कोल्ड, जोरवी संस्कृति में कोल्ड आया। डायमाबाद में एक बर्तन पर एक ऐसी चित्रकारी मिली है कि एक देवता है ना, वो बाघ और मोर से घिरा हुआ है। कौन देवता हो सकता है? पंजाबी यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड का तो नहीं पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन नेट के बेसिस पे पीएचडी हो जाता है शिव, और पीएचडी हमारी यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड तो मिलता ही मिलता है। तुम्हारा तो जीआरएफ हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है। इसी तरह से इनाम गांव में कुछ ऐसी देवियों की प्रतिमाएं मिली हैं जिनका सर कटा हुआ था, तो इसकी तुलना महाभारत में एक देवी का जिक्र बाद में आया है, विशिरा, विशिरा से तुलना की गई है। अग्निकुंड कैलकुलिथी के ऐसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी अग्नि पूजा के साक्ष्य। धातु के औजार प्रीवेलेंट हो जाते हैं, सोने के आभूषण केवल जोरवे में पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के, ये मदर कंसर्न था, मदर कल्चर था इंडस वैली का। बाघ और मोर शिव से ऐसे संबंधित है कि बाघ आगे चल करके दुर्गा जी की सवारी बना, शेर कह लो, और मोर कार्तिकेय से संबंधित है जो शिव जी के बेटे हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, नाल, कुल्ली और सोथी। तो खासकर नाल संस्कृति ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के पास, यहाँ पे नदी के गोल पत्थरों और पहाड़ काट करके घर बनाए गए, पहाड़। और यहाँ ऐसे नाल संस्कृति में ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन का मुंह है शंकरा और इनका आधार है तस्तरी के जैसे, तस्तरी नुमा इस तरह से बर्तन। ठीक है, और इन पर मछली और जंगली बकरी की प्राकृतिक आकृतियां भी बनी हुई हैं। तो ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं नाल संस्कृति की। इसी तरह से कुल्ली संस्कृति है, कुल्ली संस्कृति की विशेषता ये है कि इसमें पत्थर के घर हैं बने हुए, अनेक कमरों वाले। कुल्ली संस्कृति में एक निंदो वाली जगह है, निंदोवारी में सीढ़ीदार घरों के समूह मिले हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। शोथी संस्कृति, शोथी संस्कृति को स्पष्ट रूप से माना जाता है कि सिंधु सभ्यता इमीजिएट इसी के बाद पैदा हुई, यानी सिंधु सभ्यता का इमीजिएट ऊपरी स्तर है। राजस्थान में घग्गर और हाकरा, जो सरस्वती नदी भी कहते हैं, इनके क्षेत्र में स्थित है, और इनके मिट्टी के बर्तन कोटदीजी मिट्टी के बर्तन की तरह है। तो सिंधु सभ्यता का उदय शोथी संस्कृति से ही हुआ है। गंगानगर, तो इसमें मैंने उन उन चीजों को आपको डिटेल में बता दिया जो ताम्रपाषाण संस्कृत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति कौन थी? सावलदास, जोरवे, प्रभास, आहार।
शुरू ही मैंने यहाँ संस्कृत से किया था। खैर खैर बता रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैंने समझाया? इससे ज्यादा ताम्रपाषाण से नहीं कुछ आएगा, बहुत हद तक। पूरी क्यों नहीं आ गई? पूरी कब आएगी बालक? सावलदा का टाइम ये जोरवे का प्रभास का आहार का देखो सबसे पुराना है। आप लोगों को किसी को बुरी तरह से हंसने की अगर आवाज आए तो भयभीत मत होना, ये भारत के बीचों बीच जो मैप दिखाया था ना इंडिया के बीचों बीच, नहीं मेरी इकलौती बीवी से मैं कपिल शर्मा शो देखती है खाना खाते हुए और खूब जोर जोर से हंसती, बच्चे सो गए रहते हैं यहाँ तक हंसने की आवाज आती है, और जैसे ही मैं मूड बना के जाता हूँ कहती है सो जाइए। मैं कहता तो अपना कोटा तो तुमने पूरा कर लिया, मेरा देखने का टाइम आ गया, तो नींद आने लगी। भारत में ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? यार इन कथनों से मैं परेशान हूँ, मैं दिगंबर बन जाऊंगा। मूड मनोरंजन का बना के जाता हूँ, तुम किस मूड की बात कर रहे हो? नहीं क्लास में कैसे आएंगे? किसी बात करते दिगंबर उनके क्लास में आ जाएंगे, तुम देखोगे बैठ के? सबसे पहले बी.ए. स्मिथ ने ताम्र विधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। हार्डन हाइन गेरिडन ने ताम्र विधियों के आर्यों से जोड़ा। स्टुअर्ट पिकेट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया में ताम्र का संबंध शैव सभ्यता के विस्तार के से जोड़ा है। अच्छा जिम जाके सब कुछ बन गया, लेकिन मध्य प्रदेश उतना का उतना ही है। मैंने बस पूछा कि भाई तुम टस से मस्त नहीं हो रहे हो, तो कहा कि जब तक ग्वालियर में वो प्राणी रहेगा तब तक मेरा मध्य प्रदेश वैसा ही रहेगा। राजस्थान में मिला दो, तुम्हारा भूगोल कितना कच्चा है। अच्छा मैं अब कुछ प्रश्न आपसे करूंगा, गंभीर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मिलाती तो कोई बात भी होता। नहीं मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा जॉब बैठने वाला ज्यादा है। भोजन तो मैं बहुत अल्पाहार करता हूँ, इतना सा चिड़ियों की तरह। दिल्ली आ जाऊं काजल की कोठरी में? दिल्ली से तो भाग के इधर आया हूँ। तुम्हारा भी मध्य प्रदेश विकसित है क्या?
बहू नहीं आते हैं, बहू लाते हैं कि बेटा बड़ा होगा तब सोचेंगे। अजमेर में आएगा। सबसे पहले होमो सेपियंस कहाँ मिला कौन बताएगा? जो टीम समंदर को जंगल कहती हो, हमको पट्टी बढ़ाती हो। सबसे पहले होमो सेपियंस की खोपड़ी कहां मिली? हथनोरा। 20 लाख साल पुराने मानव के सबसे पुराने प्रमाण औजारों के रूप में कहां से मिले? वेरी गुड, सांगवी। ये सब याद कर लीजिए। रिवात, यहाँ पे अर्धवृत्ताकार मंदिर जैसा ढांचा कहाँ मिला है? वेरी गुड सांगवी। सिरकप, सिरकप कहाँ पे है? सिरकप कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चावल का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? चावल का सबसे पहला प्रमाण मिला है कोल्डी हवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और 1970 में जिया शर्मा ने इसको खोजा था। गेहूं, जौ और चावल के जले हुए दाने कहाँ मिले? के जले हुए दाने मिले हैं चिरांद में। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनके कहां मिले? उत्तर प्रापा में। पाटने महाराष्ट्र। भारत में पोर्टेबल कला का आरंभिक प्रमाण माना जाता है हड्डियों के बने मनके, ये कहाँ मिले? पीडीएफ इसमें है, सब डाउनलोड कर लेना। अरे वाह सानवी, कहाँ से तुम पढ़ी हो सानवी ये सब? लेकिन तुम तो न्यू स्टूडेंट हो, तुमको कहाँ से मेरे पीडीएफ मिल गए? जुता हुआ खेत, ये तो सभी जानते हैं। कभी बन रहा टेराकोटा के बने हल के फाल, बनावली। कल आपकी स्पेशल क्लास है सुबह, बेहतरीन प्रश्नों वाले, तो सुबह जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? फारस की मोहरे कहां मिली है? हाँ, यूट्यूब क्लास जैसे ही होगी। घोड़े के अवशेष सुरकोतदा। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मध्य पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के औजार मिले हैं? पटने। एशलिंग तकनीक के औजार बनाने की फैक्ट्री, पत्नी नहीं पटने, एशलिंग तकनीक के औजार बनाने की फैक्ट्री बिहार में मुंगेर जिला है। मुंगेर जिला में एक जगह है पैसरा। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन वेरी गुड जयंती। लंगनाज और बागौर,
बूचड़ खाना कहाँ से मिला है? स्लॉटर हाउस। बागुल। दो जोड़े स्त्री पुरुष यानी टोटल चार को एक ही कब्र में कहां दफनाया गया? सराय नहलाए। संख के बने हुए मन के शंख के बने हुए मन के जयंती लंगराज। गुफा की दीवारों पर बने हुए मछली के चित्र लखजुआल। नौपाषाण काल से सेल्ट की पहली खोज कहां की गई? लखजुआल भीमबेटका के पास रायचूर कर्नाटक। पालतू जेल भैंस जल भैंस की हड्डियां जल भैंस मेहरगढ़। भारत में सबसे पहले पत्थर के औजार कहां से मिले? पल्लावरम। शव की एरिया काट करके सावधान कहां किया गया किस संस्कृति में? जोरवे। बर्तन पकाने की भट्टी अभी मिले होंगे सुनौली में। इनाम गांव। कान की बाली कान की बाली मिला है महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृत से संबंधित है। प्रकाश प्रकाश जगह का नाम। तो ये आज की क्लास है और ये फाइनल लेटर बोर्ड है आपका। ऋषिका फर्स्ट, संदीप सेकंड, संजय थर्ड। मैं संबंधी हूँ ऋतु संदीप सुहानी काजल गुड़गिर।